तो हम 32 नंबर ब्लाउज बनाने के लिए क्या करेंगे, तो पहले 32 नंबर ब्लाउज बनाने के लिए 32 प्लस 4 लेंगे यानी 36 होगा। 36 का पहला हिस्सा यानी चौड़ाई हिस्सा हम लेंगे 9, तो पहले हम 9 पर देख लेंगे। हम 9.5 पे लिए हैं, इसे 9 हिस्सा होगा, थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा कपड़ा रखेंगे ज़्यादा करके। उसके बाद हम लेंथ लंबाई हम लेंगे 13.5 पर, पतला आदमी का है। उसके बाद गला बाजू के गर्दन के लिए हम शोल्डर लेंगे 6 इंच, देखिए हमारा 6 इंच है। उसके बाद हम बाजू के लिए हम 5.5 इंच लेंगे, 5.5 इंच लेके गोल कर लेंगे। बाजू देखिए गर्दन के लिए हम 2.5 इंच लेंगे, गला जिसको बोलते हैं, अगर ये देखिए हम पीछे गला हम लेंगे 8.5 पर, और इसको हम 8.5 लेकर इस तरह कर लेंगे। ये चौकूर गला है हमारा, इसी तरह इसका भी हम बाजू लेंगे 5.5, सेम उसी तरह निशान लगा लेंगे। और 1.5 पर बाजू की गोलाई लेंगे, 1.5 इंच लेके हम गोल कर लेंगे। उसके बाद देखिए आगे गला हमारा है 4 पर, 2.5 इंच लेके हम 4 ले लेंगे, देखिए 2.5 इंच और इधर 4 गोल लगा लेंगे। ये हम लिए थे पीछे का लंबाई लिए थे 13.5 इंच, तो आगे का लंबाई हम 14.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमारा आगे मोड़ने में जाएगा। टुप्पी के लिए हम लेंगे 10, थोड़ा डाउन आगे पोजीशन में डाउन कर लेंगे। यहाँ से आपको हमेशा वीडियो में बनाए हैं बताए हैं कि आगे हमेशा 5.5 लीजिएगा, गला से हम 2.5 लेंगे, पतला आदमी का है गला से 2.5 लेंगे, और बाजू से 2.5 लेंगे और गला से हम गोल मिलाएंगे। क्या करें, बाजू से 2.5 हमेशा नाप लीजिएगा, 2.5 लेके और गला से हम गोल मिलाएंगे। और इसके बाद हम कट कर देंगे। तो हम निशान लगाए हुए हैं, इसको हम कट लिख लेंगे, सेम वही निशान पर हम कट करेंगे। हम कपड़ा उसको सीधा नहीं निकालेंगे, जैसे हम निशान लगाएंगे वैसे ही आप कीजिए। क्या बोल रही थी, ये हमारा 34 नंबर ब्लाउज है, उसके बाद देखिए हम टुपी इसी तरह काटेंगे। गला काटेंगे, मेरा पीछे गला चौकूट गला है, आप चाहे तो गोल बना सकते हैं, डिजाइनदार बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए कट कर दो, ये मेरा पीछे हो गया, ये आगे का हो गया, ये मेरा नीचे का, उसमें आगे पल्ला नीचे जुटेगा। उसके बाद हम बाजू जॉइंट काट लेंगे, बाजू 3.5 पर है, हम यहाँ कपड़ा देके मोड़ेंगे, नहीं तो मेरा ये वाला जो है डिजाइन खराब हो जाएगा। यहाँ से हम लेंगे 4.5 और 4.5 पर हम लेके गोलाई देंगे। यहाँ पर हम
कपड़ा ज्वाइन करके पीछे की ओर पलट देंगे। इस तरह मोड़ेंगे तो मेरा डिजाइन खराब हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं मोड़ेंगे। अब आपको हम इसमें टुकी काटने बताएंगे। नाप है टुकी का, इसको पहले रख लेंगे और सेम निशान लगा देंगे। उसके बाद देखिए हम सेम निशान पर ही काटेंगे। ये मेरा टुकी कट गया है। अब इसको हम नीचे वाला पार्ट करके आपको काट के दिखा रहे हैं। नीचे पार्ट के लिए कपड़ा ये लिए और ये कपड़ा मेरा ये है, और इसको इस तरह कर देंगे। सेम इसी तरह निशान लगा लेंगे और निशान पर उस तरह करके काट लेंगे। मेरा टुकी कट गया है। ये हम बाजू में डालेंगे, कपड़ा पलटेंगे इसीलिए है। नीचे भी पलटेंगे तो इसमें हम काटेंगे। पीछे का चौकुट गला निकालेंगे, जो मेरा पीछे चौकुट गला है, और डोरी निकालेंगे पीछे का मोड़ने वाला, नीचे पीछे साइड को बैक साइड को मोड़ने वाला निकालेंगे। तो ये हम बाद में करके आपको दिखाएंगे, अभी इतना इसके लिए इतना ही। पार्ट टू में अगर आपको हम सिलाई करने बताएंगे तो उसमें आपको बता देंगे कि पीछे गला कैसे निकालते हैं और आगे और सब जितना है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही।